तो दोस्तों फाइनली वीवो V17 Pro कंफर्म हो चुका है, जो कि आने वाला डुअल पॉपअप कैमरे के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जो कि होने वाला 64 मेगापिक्सल्स के सैमसंग ISOCELL GW1 का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको भी जानना है इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत कुछ, तो बने रहे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कैमरे से। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है फ्रंट साइड में एक डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल्स का। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक 13 मेगापिक्सल्स का एक और कैमरा देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैक साइड की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है क्वाड कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 64 मेगापिक्सल्स के सैमसंग ISOCELL GW1 के सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक 13 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। बात करें दोस्तों बैक साइड की डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला एक प्लास्टिक बॉडी, जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ में। और अगर बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और दोस्तों वीवो V17 Pro वीवो का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आने वाला है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पबजी, फोर्टनाइट और स्पाल जैसे गेम बहुत ही आसान तरीके से खेल पाएंगे। और वहीं बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की बैटरी की, जो कि फोन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में। और दोस्तों लीक्स और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है 45W का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि आपके फोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगी। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है स्मार्टफोन का प्रोसेसर परफॉर्मेंस और इस स्मार्टफोन का चार्जिंग स्पीड। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और फाइनली बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड 5 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि आने वाला है फन टच OS के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाला है 18-20,000 rupees के करीबन, जो कि आने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के हायर वेरिएंट की, तो आपको 24-25,000 rupees के करीबन देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को इंडिया में दिवाली से पहले रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रूमर्स। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।